हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम लोग डील करने जा रहे हैं उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में जो दो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर पूरा केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर डिपेंड करता है, वो है, सबसे पहला जो है वो है रेट ऑफ रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है और उस रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इन सारी स्टडी को मिला के टॉपिक बनता है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट दिस टॉपिक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज रेट। रेट ऑफ रिएक्शन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, रेट का मतलब होता है स्पीड, लेकिन केमिकल लैंग्वेज में हम लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो वो किस स्पीड से चल रही है। तो इसको एक दूसरे तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि स्पीड का मतलब क्या होता है। स्पीड मींस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड स्पीड। जो यहां पे केमिकल रिएक्शन के बारे में जो रेट है इसको हम जब डिफाइन करेंगे तो हम लोग स्पीड, एग्जैक्टली द वर्ड स्पीड इज नॉट बीइंग यूज्ड, वी विल यूज सम डिफरेंट टर्मिनोलॉजी हियर। इसको हम एक दूसरी चीज से डिफाइन कर सकते हैं, मान लीजिए वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है वो रिलेटेड होती है हमारी कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर। अगर सॉलिड और लिक्विड है तो उसके लिए हम कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, अगर गैस है तो प्रेशर लेंगे। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है रिएक्शन में, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होती जाती है। जब रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी तो वेलोसिटी जो है ऑब्वियसली कम होती जाएगी। ये एक बेसिक फंडा हम लोग लेके चलते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की वो कम होती जाती है, और रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी उसकी जो रेट है वो भी कम होती जाएगी। तो अगर हम इसको डिफाइन करें, इसका एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें, तो हम उसको ऐसे बना सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू सो सपोज देयर इज अ केमिकल रिएक्शन, मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन है A प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो अगर हम इसमें रेट को डिफाइन करेंगे इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी, ए इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी बी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी सी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी डी। यहां पे हम देखेंगे कि ए प्लस बी मिलने के बाद सी और डी बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वो कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है, और सी और डी की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। रेट जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, ये पॉइंट हमें हमेशा याद रखना है कि रेट निगेटिव नहीं होगी। इसलिए चूंकि कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है इसलिए हमने निगेटिव साइन लिया गया है। हेयर दिस निगेटिव साइन इंडिकेट्स द डिक्रीजिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो हेयर नाउ दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रेट कैन नॉट बी इन नेगेटिव
इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं कि जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अगर हम रेट को डिफाइन करें तो उसको ऐसे दिखा सकते हैं कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। यूनिट क्या होगी रेट की? इसी फॉर्मूले से हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो यूनिट क्या होगी रेट ऑफ रिएक्शन की? यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। जैसे हमने रेट लिखा था, रेट का मतलब क्या था? रेट इज इक्वल टू जैसे माइनस डी अपॉन डी टी ए, तो ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है नीचे है टाइम। तो अगर हम रेट की यूनिट लिखेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट अपॉन टाइम की यूनिट। तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। और टाइम की यूनिट होगी दैट इज सेकेंड। मोल पर लीटर को इसको एक दूसरे तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। मोल पर लीटर को ऐसे भी लिखा जा सकता है कैपिटल एम सेकेंड इनवर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन। सो दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इन एनी केस वी कैन determine the unit of rate of reaction from here. Now the next topic is how many factors which will affect the rate of reaction. कौन कौन से ऐसे factors हैं जो किसी भी chemical reaction की rate को affect करते हैं, प्रभावित करते हैं, उनको control करते हैं, ठीक है? Factors affecting rate of reaction. तीन फैक्टर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है जो किसी भी रिएक्शन की रेट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो है कॉन्सेंट्रेशन। नंबर सेकेंड इज टेम्परेचर। थर्ड वन इज कैटलिस्ट। इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं जो केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, जैसे प्रेशर भी हो सकता है, बट ये जो तीन हैं, तीन फैक्टर जो है वो मेजरली किसी भी रिएक्शन की रेट को इफेक्ट करते हैं। और इन तीनों को लेके एक कंसेप्शन दिमाग में हमेशा रखना चाहिए, वो ये है कि जैसे जैसे इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, जैसे जैसे ये तीनों फैक्टर्स बढ़ते जाते हैं, किसी भी रिएक्शन की रेट जो है वो बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब ये है कि कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटलिस्ट जो है, इसकी अमाउंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी रिएक्शन की रेट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। इसको एक एक करके, इन सभी फैक्टर्स को एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटलिस्ट की अमाउंट बढ़ाने से किसी भी रिएक्शन की रेट जो है वो बढ़ती है। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कॉन्सेंट्रेशन को। अगर मान लीजिए ये एक सिस्टम है जिसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे रखे हुए हैं, ए टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ बी टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ाते चले जाएं,
जैसे मान लीजिए अगर पहले 4 मॉलिक्यूल थे, फिर 5 हो गए, 6 हो गए, 10 हो गए, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है इनके आपस में जो कोलाइजन है, आपस में जो पर यूनिट कोलाइजन जो है वो बढ़ता जाएगा, पर कोलाइजन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एक पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब हो गया 1 × 1, ओके, 1 m³, 1 cm³, 1 u³, ठीक है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में जो कोलाइजन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा मॉलिक्यूल हो जाएंगे उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है अगर ज्यादा होती चली जाएगी तो उनमें जो नंबर ऑफ कोलाइजन है वो भी बढ़ता चला जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि कोलाइजन फ्रीक्वेंसी जो है, इसी को कोलाइजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, कोलाइजन फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। कोलाइजन फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कोलाइजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो अगर पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर अगर नंबर ऑफ कोलाइजन बढ़ते चले जाएंगे तो उसकी वजह से कोलाइजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ऑब्वियसली। अब जब कोलाइजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ेगी, इंक्रीजेस। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने से जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। नंबर सेकेंड पॉइंट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इसी तरीके से हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए सिस्टम के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से उनमें फ्रेगमेंटेशन होगा, डिकम्पोजिशन हो सकता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उनकी कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली बढ़ती चली जाएगी, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते चले जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ऑब्वियसली फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, और कॉन्सेंट्रेशन की बढ़ने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो भी मॉलिक्यूल उसके अंदर प्रेजेंट है सिस्टम के अंदर वो मॉलिक्यूल फ्रेगमेंटेड होंगे, छोटे छोटे भागों में टूट सकते हैं, जिससे कॉन्सेंट्रेशन जो है उस पर्टिकुलर एरिया में पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल विल बी इंक्रीज, सो दैट द रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑब्वियसली इंक्रीज। नंबर थर्ड इज इसका अगर एग्जाम्पल हम समझें, इसका फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल जो है जैसे आयरन का ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर वेरी स्लो, बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ऑक्सीडेशन जो है वो बहुत ही तेज गति से चलने लगता है, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जांपल है जिसको हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट इज कैटलिस्ट, तीसरा और इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन की रेट को कम या ज्यादा कर सकते हैं, उसकी रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। जनरली कैटलिस्ट जो होता है वो एक शॉर्टर रूट प्रोवाइड करता है। जैसे हमें पता है कि कोलाइजन थ्योरी में किसी भी सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, जैसे मान लीजिए कई सारे मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट हैं, तो केमिकल रिएक्शन कब होगी? जब मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो एकदम से केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, और जितने भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो सारे के सारे केमिकल रिएक्शन करेंगे ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी, केमिकल प्रोडक्ट सिर्फ वही मॉलिक्यूल बना सकते हैं जो जिनके बीच में जो कोलाइजन है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ, प्रॉपर ओरिएंट
ओरिएंटेशन, प्रॉपर जिनमें प्रॉपर ओरिएंटेशन हो और सफिशियंट एनर्जी हो, सफिशियंट यानी दो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी भी सफिशियंट हो और जिनका ओरिएंटेशन भी प्रॉपर हो, तभी उनमें आपस में रिएक्शन होगी। जैसे मान लीजिए दो मॉलिक्यूल हैं, अब जितना ज्यादा वो आपस में उनका ओरिएंटेशन ठीक होगा तो उनमें केमिकल रिएक्शन होने की संभावना ज्यादा है। लेकिन मान लीजिए ओरिएंटेशन अगर ठीक नहीं है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और यहां से कोई इस डायरेक्शन में आ रहा है मॉलिक्यूल, ठीक है, तो सुपरफिशियली मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। तो ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए और उनकी अंदर एनर्जी भी इतनी होनी चाहिए ताकि वो केमिकल प्रोडक्ट बना सके। तो यहां पे जैसे मान लीजिए कोई भी रिएक्टेंट हमारे पास ए है, तो उसके पास अगर ये सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है तभी ये केमिकल प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। अगर हम इसमें कोई कैटलिस्ट डाल देते हैं तो कैटलिस्ट जनरली प्रोवाइड्स द शॉर्टर रूट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कैटलिस्ट है वो क्या करेगा, शॉर्टर रूट प्रोवाइड करा देगा। शॉर्टर रूट प्रोवाइड कराने का मतलब है कि कम समय में वो रिएक्शन हो सकती है, ओके। तो कैटलिस्ट जो है जनरली, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोरेट, क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट में अगर हम मैंगनीज, फॉर एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, फॉर एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड। तो मेनली कैटलिस्ट कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कैटलिस्ट अगर हम डाल देंगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन जो है वो इसका और ज्यादा तेजी के साथ होने लगता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो तीनों फैक्टर्स हैं इसमें, कॉन्सेंट्रेशन, टाइम, कैटलिस्ट, ये तीनों जो हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर इन तीनों की कॉन्सेंट्रेशन, इन तीनों की अमाउंट अगर हम बढ़ाते चले जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्युलैरिटी, मॉलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। मॉलिक्युलैरिटी क्या होती है, जनरली रिएक्शंस जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक सिंपल रिएक्शन सिंपल रिएक्शंस एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपल रिएक्शंस वो रिएक्शन होती है जिसमें वन स्टेप होता है, एक ही स्टेप में। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिसमें मल्टी स्टेप्स हो, कई सारे स्टेप्स हो, मतलब जो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स हैं वो बहुत ज्यादा हो। सिंपल रिएक्शन में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है, जैसे यहां पे हमारा रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बन गया, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है। लेकिन मल्टी में यहां रिएक्टेंट है, यहां प्रोडक्ट है, ये मान लीजिए कोई एक इंटरमीडिएट, तो एक इसमें कई सारे स्टेप हैं, इसमें कोई भी एक ही स्टेप में जो रिएक्शन हो जाती है उसको सिंपल रिएक्शन कहते हैं, और जिसमें कई सारे स्टेप होते हैं, मल्टी स्टेप्स होते हैं, उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। तो एक चीज जो समझने वाली है वो ये है कि मॉलिक्युलरिटी हम सिर्फ सिंपल रिएक्शन में ही निकाल सकते हैं। द कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्युलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली टू सिंपल रिएक्शंस, ओके।
नॉट इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम ये समझे कि भाई मॉलिकुलरिटी होती क्या है। किसी भी रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल्स मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं उस नंबर को हम लोग मॉलिकुलरिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूलरिटी जो है किसी भी रिएक्शन में जितने भी मॉलिक्यूल्स मिलके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। जैसे मान लीजिए ए प्लस बी इज इक्वल टू कोई प्रोडक्ट, तो इसमें दो मॉलिक्यूल मिलके प्रोडक्ट बना रही है इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी। तो बस सपोज मानिए टू ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, इस केस में अगर हम देखें तो कितने मॉलिक्यूल हैं, दो ये है और एक ये है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी तीन। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग किसी भी रिएक्शन की थ्योरेटिकली हम लोग मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर इन्वॉल्विंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट विल बी नोन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन। यहां पर एक चीज और जो समझने वाली है वो ये है कि रिएक्शन में कई बार रिएक्शंस ऐसी होती है कि जो उसमें कई सारे स्टेप होते हैं और उन स्टेप्स में कोई फास्ट स्टेप है कोई स्लो स्टेप है। जैसे फॉर एग्जांपल NO प्लस Br2 इज इक्वल टू NOBr2 NOBr2 इज इक्वल टू ट्वाइस NOBr। ये जनरली एक रिएक्शन है जिसमें पहला वाला स्टेप जो है वो फास्ट स्टेप है और दूसरा स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है। अब इसमें जब हम मॉलिक्यूलरिटी निकालनी होगी तो हम लोग ये जो हमेशा स्लो वाले स्टेप को कंसीडर करते हैं क्योंकि फास्ट स्टेप में मॉलिक्यूलरिटी निकालना आसान नहीं है, उसको हम लोग नहीं निकाल सकते जनरली। उसका रीजन क्या है, उसका कारण ये है कि कभी भी किसी भी रिएक्शन में जो रेट निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन या मॉलिक्यूलरिटी, हमेशा ऐसी रिएक्शन में निकालते हैं जिस जो स्लो हो, जो स्लो स्टेप हो। जैसे मान लीजिए सपोज आप अपने घर से लेके स्कूल तक जाते हैं, आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, एक ये जो एक सड़क है जिसके द्वारा आप अपने घर से स्कूल की तरफ जाते हैं, इसमें बीच में एक ऐसा पैच पड़ता है, बीच में कुछ पॉइंट कुछ जगह ऐसी है जहां पे ये रास्ता खराब है, गड्ढे हैं, खराब रास्ता है। तो आपने घर से साइकिल से इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं, मतलब आपने घर से अपने स्कूल जाना है आपको, और बीच में जो कुछ रास्ता जो है कुछ हिस्सा जो है इस सड़क का वो डैमेज्ड है खराब है, तो जो भी आपकी स्पीड होगी वो ये वाला जो हिस्सा है ये आपकी स्पीड को डिसाइड करेगा कि आपकी स्पीड ए टू बी पॉइंट तक, ए से लेके बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपकी जो स्पीड है वो क्या होगी। आपकी जो स्पीड है वो ये वाला हिस्सा नहीं डिसाइड करेगा, ये वाला हिस्सा डिसाइड करेगा, क्योंकि यहां तो आपकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये वाली जो जगह है यहां पे आपकी स्पीड वेरी कर रही है, यहां पे आपकी स्पीड जो है वो स्लो होगी। दिस पर्टिकुलर रीजन विल डिसाइड व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ योर साइकिल, ठीक है। इसी तरीके से जो स्लो स्टेप होता है वो हमेशा डिसाइड करता है कि भाई आपकी रिएक्शन की रेट क्या होगी, आपकी रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी। ओके एक दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे वो ये है कि मॉलिक्यूलरिटी जो है ज्यादा से ज्यादा एक दो या तीन हो सकती है, नॉट मोर देन दैट, इससे ज्यादा 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा नहीं हो सकता, जनरली कम नंबर में ही होती है, एक दो या तीन हो सकती है किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी, एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, इससे ज्यादा बहुत कम होती है, होती ही नहीं है, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे नहीं होती। उसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि मॉलिक्यूलरिटी का मतलब ये है कि जितने भी रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं उस नंबर को हम लोग मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। अब ये 4, 5, 6, 7, 8 का मतलब क्या हो गया कि इतने मॉलिक्यूल किसी एक पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए ए और बी,
यहां मिलके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे मोलिकुलरिटी कितनी होगी, 2। अब जैसे मान लीजिए यहां पे किसी एक पॉइंट पे ए बी और सी ये तीन मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो यहां पे मोलिकुलरिटी कितनी होगी, 3। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के आपस में कोलाइजन होने की संभावना बहुत कम होती है। कम मॉलिक्यूल होंगे उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर होगा, उनमें एनर्जी ज्यादा होगी, इजिली एक दूसरे के साथ कोलाइड कर सकते हैं और कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब ज्यादा होंगे तो ज्यादा में ना तो ओरिएंटेशन प्रॉपर होगा ना उनमें प्रॉपर कोलाइजन होगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। इसलिए मॉलिक्यूलरिटी जो है वो ज्यादा ज्यादा 1, 2 या 3 हो सकती है, ज्यादा हायर नंबर में मॉलिक्यूलरिटी नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कई बार लोग मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी जो है वो नंबर है जिसमें मॉलिक्यूल्स मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं, सिर्फ वो मॉलिक्यूल जो मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको हम लोग मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं, उस नंबर को। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में नंबर, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कॉन्सेंट्रेशन इज अल्टर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि वो मॉलिक्यूल्स जिनकी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन के साथ साथ चेंज होती जाती है, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन बढ़ने के साथ साथ उनकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होता जाता है, उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए, ओके, द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। अब रिएक्टिंग स्पीशीज में कुछ भी हो सकता है, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज हुज कॉन्सेंट्रेशन जनरली अल्टर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। अब मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में यही एक डिफरेंस है कि मॉलिक्यूलरिटी में जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते थे, उस संख्या को हम लोग मॉलिक्यूलरिटी कह देते थे। लेकिन यहां पे हम थ्योरेटिकली ऑर्डर को किसी भी रिएक्शन को देख के उसका ऑर्डर नहीं निकाल सकते, जब तक कि हमें ये ना पता हो कि उसका एक्सपेरिमेंटली रेट लॉ क्या है, और रेट लॉ का पता चलेगा जब तक कि एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। तो ऑर्डर जो है वो एक तरीके से जनरली क्या होता है कि कुछ सिंपल रिएक्शंस में उसकी न्यूमेरिकल एक्सपोनेंट देख के हम लोग उसमें से आइडिया लगा लेते हैं कि भाई ऑर्डर कितना है। लेकिन बहुत सारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं जिनमें जब तक प्रैक्टिकल नहीं हो, एक्सपेरिमेंट नहीं होगा तब तक रेट लॉ का पता नहीं चलेगा, और जब तक रेट लॉ का पता नहीं चलेगा तब तक हम उस रिएक्शन का ऑर्डर नहीं निकाल सकते। तो ऑर्डर के बारे में हम ऐसे कह सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंटली टर्म है, कि जब तक एक्सपेरिमेंट होना बहुत जरूरी है इसके लिए, और उस एक्सपेरिमेंट के बाद रेट लॉ डिसाइड होगा, और उस रेट लॉ के बाद हम लोग उस रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं। लेकिन सिंपल रिएक्शन में हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी न्यूमेरिकल एक्सपोनेंट होते हैं उनको हम ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद उसका ऑर्डर हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल,
जैसे फॉर एग्जांपल माइनस डी अपॉन डी टी ए अब यहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ए की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है, इसलिए यहां पे ऑर्डर जो होगा वो दैट इज वन। लेकिन इसी तरीके से अगर हम मान लें ए प्लस बी इज इक्वल टू कोई प्रोडक्ट है, तो जनरली अगर हम रेट निकालेंगे इस तरीके से आ जाएगा के इसकी एक्सपोनेंट मान लीजिए एक्स है, ये मान लीजिए वाई है। लेकिन एक इसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं, ये तो हमें यहां से जनरली रिएक्शन यहां से दिखाई दे रहा है, लेकिन किसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है ये हमें यहां से नहीं पता चल रहा। इसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए दो दोस्त हैं, टू फ्रेंड्स। अब एक के पास तो बहुत सारे रुपए हैं, 20,000 रुपए मान लीजिए, और एक के पास सिर्फ 2 रुपए हैं। अब दोनों लोगों को एक एक समोसा खाना है, समोसे की कॉस्ट जो है वो 1 रुपए है। अगर ये 20,000 वाला जो दोस्त है ये 1 रुपए का समोसा खरीदेगा और ये भी 1 रुपए का समोसा खरीद रहा है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा। इसके 20,000 में से 1 रुपए चला गया तो कोई असर नहीं पड़ा इस पर, लेकिन इसके 2 रुपए में से 1 रुपए चला गया तो इस पर बहुत असर पड़ेगा। यही इस रिएक्शन का मूल मंत्र है, वो ये है कि इसमें कौन सा ए और बी में से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा चेंज हो रहा है और किसकी कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको रिएक्शन के उसमें समझते हैं हम, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, CH3COOC2H5 प्लस H2, यहां पे जो भी प्रोडक्ट बनेगा। अब यहां पे वाटर जो है वो बहुत एक्सेस में है, ये वही वाला फ्रेंड है जिसके पास 20,000 रुपए है, ठीक है, बहुत एक्सेस में वाटर डाला हुआ है, इथाइल एसीटेट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है। तो जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो रेट है, वो इसकी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, ना कि इसकी, क्योंकि वाटर जो है बहुत ज्यादा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो उसमें बहुत ज्यादा कोई चेंज हो नहीं रहा है, जब चेंज नहीं हो रहा तो वो पूरी की पूरी क्वांटिटी जो है उसको कॉन्स्टेंट मान लेते हैं। तो इसी तरीके से जैसे जो हमारा रेट था कि भाई रेट इज इक्वल टू के CH3COOC2H5 और H2O। अब H2O जो है वो लार्ज एक्सेस में है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो जब बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है तो रेट जो है वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये ऑब्वियसली एक कॉन्स्टेंट हो जाएगा CH3COOC2H5, ये भी एक कॉन्स्टेंट हो गया K-CH3COOC2H5। अब यहां से अगर हम ऑर्डर निकालेंगे तो ऑर्डर के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही वजह, यहां से अगर आपको पता ही नहीं है कि लार्ज एक्सेस है या कम एक्सेस है तो यहां से अगर आप ऑर्डर निकालोगे तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 1+1=2 निकाल देंगे आप। लेकिन चूंकि जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आपको पता चला कि वाटर तो बहुत लार्ज एक्सेस में है, तो जब लार्ज एक्सेस में है तो ये कॉन्स्टेंट हो गया, तो ये जो रेट है वो इस पर डिपेंड नहीं करेगी, हमेशा स्लो वाले पे डिपेंड करती है, स्लो रिएक्शन, स्लो स्टेप और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा चेंज हो रहा हो उस चीज पर डिपेंड करती है। तो यहां से अगर हम ऑर्डर निकालेंगे तो ऑर्डर इज 1। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो यहां पे ध्यान रखने वाली है कि मॉलिकुलरिटी में तो आप एक्सपेरिमेंटली नहीं, आप उसको थ्योरेटिकली निकाल सकते हैं कि ए प्लस बी इक्वल टू सी या ए प्लस टू बी इक्वल टू सी, जो भी है आप वहां से देख के लगा सकते हैं अंदाजा कि भाई कितने मॉलिक्यूल मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं। जितने मॉलिक्यूल मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं वो जो नंबर होगा वो मॉलिकुलरिटी होगा। लेकिन ऑर्डर के केस में पहले एक्सपेरिमेंट करना होगा, एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट के बाद रेट लो और उस रेट लॉ के बाद आप ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं। रेट लॉ का मतलब ये जो है, ये रेट लॉ है, दिस इज रेट लॉ। ये एक्सपेरिमेंट होने के बाद ही पता चलेगा कि किसकी कॉन्सेंट्रेशन में कम है, कौन सी कॉन्सेंट्रेशन कम है, कौन सी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो जिसकी कम होगी ये रेट हमेशा उसी कम वाले पर डिपेंड करेगी,
तो यहां से हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। जैसे मान लीजिए ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट है, तो यहां से अगर हम रेट निकालेंगे तो रेट इज इक्वल टू के ए बी, ठीक है। इसकी मान लीजिए एक्सपोनेंट एक्स है, ये मान लीजिए वाई, तो यहां से अगर हम यूनिट निकालें यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू यूनिट ऑफ रेट अपॉन यूनिट ऑफ, ये क्या है, ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के कॉन्सेंट्रेशन एक्स प्लस वाई, ओके। अब ये जो एक्स प्लस वाई है, इस एक्स प्लस वाई को और दूसरे तरीके से, चूंकि ये कांस्टेंट है तो कॉन्सेंट्रेशन एन कर लीजिए इसको, एक्स प्लस वाई को एन मान लीजिए, तो यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और इसकी पावर हुई एन, ठीक है। बस ये कुछ नहीं किया, ये कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म जो है वो रेट के नीचे आ गया। तो यूनिट ऑफ रेट क्या था, स्टार्टिंग में हम लोगों ने किया हुआ था ये यूनिट ऑफ रेट क्या था, मोल पर लीटर पर सेकेंड। कॉन्सेंट्रेशन का रेट क्या होगा, मोल पर लीटर पावर एन। तो वहां से अगर हम निकालेंगे इसको तो क्या होगा, मोल पर लीटर वन माइनस एन पर सेकेंड। इस मोल पर लीटर को हम लोग लिख सकते हैं एम वन माइनस एन, तो दिस इज यूनिट ऑफ के इन जनरल फॉर्म, एक जनरल फॉर्म है। यहां से अगर हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, उनकी जो यूनिट है वो यहां से हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम जीरो ऑर्डर के लिए रेट, इसकी यूनिट निकालेंगे तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, एम एन की जगह जीरो रख देंगे एस माइनस वन, तो ये हो गया एम मोल पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालेंगे तो एम वन माइनस वन पर सेकेंड। सेकेंड ऑर्डर के लिए जब निकालेंगे तो एम वन माइनस टू, ये हो गया मोल पर लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज टॉपिक्स, दीज आर द बेसिक टॉपिक्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। थैंक यू वेरी मच। So if you are having any kind of queries, you can mail me at shashank.enviro@gmail.com. You can inbox me any kind of query related to these topics of chemical kinetics. Thank you very much.